हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी सेठी और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर साक्षी सेठी के व्लॉग्स। तो आज है कुकिंग फ्राइडे। कुकिंग फ्राइडे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये किचन तो मेरा नहीं लग रहा। जी हाँ, ये किचन मेरा नहीं है, ये मेरे किचन है मेरी मम्मी का। मम्मी का भी नहीं है एक्चुअली, मम्मी गई हुई है ब्रदर के घर, तो ये किचन है उनका। लास्ट वीडियो में मैंने पिंडी छोले बनाए थे और पिंडी चना बनाने के टाइम पे मेरे को मेरी मम्मी से ही इतनी गलतियां सुनने को मिली कि मैंने बोला कि चलो इस बार ही आपकी रेसिपी बनाते हैं। माँ के हाथ का खाना सबको ही बहुत अच्छा लगता है और मेरी मम्मी तो वैसे ही वर्ल्ड की बेस्ट कुक है ऐसा मुझे लगता है और हमारे सारे रिलेटिव्स कहते हैं। तो ये रेसिपी है मम्मी की और ये बहुत पॉपुलर रेसिपी है मम्मी की। इसको कहते हैं फ्राइड गोभी या हलवाई वाली गोभी। ये बनाने के लिए मम्मी ने आज रिकॉर्डिंग करी है तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा क्योंकि इतने एफर्ट एक माँ ही कर सकती है बच्चे के वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं मम्मी की रेसिपी में क्या है। उन्होंने मुझे सीरियस स्ट्रिक्टली बोला है कि मेरी आवाज़ मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए, तो उनकी शक्ल नहीं लाएंगे, सिर्फ उनके हाथ ही दिखेंगे आपको। जब मैं इंडिया जाऊँगी तो डेफिनेटली अपनी मम्मी से मिलाऊँगी, पर फिलहाल उनके हाथ से ही काम चलाइए। तो गोभी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, थोड़ा सा लहसुन अदरक, लहसुन सिर्फ टेस्ट को हल्का सा, बाकी अदरक। और गोभी को अब हम करेंगे फ्राई। गोभी अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना आपको जैसा पसंद है वैसा आप काट सकते हैं। तो गोभी हो गई है फ्राई, अब गोभी को हम निकाल लेंगे। गोभी में आलू भी थे जो मैं बताना भूल गई। फ्राई होने के बाद थोड़ा ऐसे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए वैसा करने के और इसको रख देंगे हम साइड पर। दूसरी तरफ रख ली है हमने कढ़ाई। कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा डाला है ऑयल, ऑयल देखने में भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी गोभी जो है वो फ्राइड है तो ऑयल ज़्यादा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन याद रहे बहुत कम डालना है क्योंकि लहसुन सिर्फ हल्का सा टेस्ट को है, मेन काम अदरक का ही है इसके अंदर। तो अब इसको थोड़ा सा हम स्टर फ्राई करेंगे। तो जब अदरक लहसुन थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तो हम डाल देंगे इसके अंदर टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी अब डल रही है और टोमेटो प्यूरी मम्मी ने बचा ली थी, मम्मी कह रही थी ज़्यादा बन गई थी इसलिए ज़्यादा डाले तो ये सब्जी खट्टी हो जाएगी इसलिए थोड़ी ही डाली है। और अब इसको सिम पे हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो अब आई है मसालों की बारी। मसालों में मम्मी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डालते नहीं, उनके मसाला बॉक्स में भी दो तीन चीज़ें ही होती है, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, इसके अलावा वो कुछ नहीं डालते। तो और मम्मी सब कुछ अंदाजे से ही डालती है, कुछ नाप के तोल के नहीं डालती। और बाप रे इतनी सारी मिर्च डाली मम्मी ने। मिर्च के बाद नमक और फिर हल्दी। गरम मसाला भी मम्मी यहीं पे इसी टाइम पे ही डाल देंगी, वो लोग यूजुअली बाद में डालते हैं लेकिन वो एक ही साथ सब कुछ डाल के काम करते हैं ख़त्म। तो दोस्तों हो गया है मसाला रेडी। प्यूरी है इसके अंदर, लहसुन है और अदरक है। अब इसमें हम डाल देंगे गोभी जो हम पहले से ही फ्राई कर चुके थे। बीच में डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, ये वही पानी है जिसमें लहसुन अदरक पड़ा था तो उसका भी थोड़ा और फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। और फिर इसको ढक देंगे एक 2 से 4 मिनट के लिए। और 3 मिनट के बाद हमने खोला ढक्कन और देखा, चेक किया और गोभी एकदम रेडी है, गर्मा गर्म स्वादिष्ट गोभी। और अब डाल देंगे इसमें कटा हुआ धनिया। तो अब कर देंगे इसको भी मिक्स। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये फ्राइड गोभी है लेकिन फिर भी इसमें ज़रा भी हमें ऑयल नहीं दिख रहा। वो ऑयल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब हमने टमाटर प्याज टमाटर की प्यूरी डाली थी तब हमने ऑयल नहीं डाला था, एकदम एक दो ड्रॉप्स ऑयल डाला था। तो वो बैलेंस जो है वो बराबर हो गया और ये एकदम नॉर्मल रेगुलर गोभी जैसी ही गोभी लग रही है, बट इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है और बहुत बहुत स्वाद लगती है, जैसे कि वो शादियों पे मिलती है ना गोभी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आता है इसका।
तो अब यहाँ हमारी गोभी बन के तैयार है, रेडी टू सर्व है, गरम गरम इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और मेरे मम्मी की एफर्ट को आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में और कोशिश करूँगी कि कुकिंग फ्राइडे का ज़िम्मा जो है वो मम्मी को सौंप दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।